नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ जी की रसोई में। आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ वेज मंचो सूप, एकदम होटल जैसा, होटल का स्वाद आप घर में ले सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे तो आप होटल का मंचो सूप पीना भूल जाएंगी। तो आज देखते हैं कि कैसे बनता है। ये सर्दियों के लिए तो स्वाद और सेहत से भरपूर है ही, और रेनी सीजन में भी इसको बना के पीजिए, एकदम सेहतमंद रहेंगे। और ज़रूर से ज़रूर बनाइए, और अगर ये हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर करें। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि मंचो सूप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। ये शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है, एक प्याज बारीक बारीक काट लिया है, गाजर बारीक काट लिया है, और ये पत्ता गोभी, और ये अदरक लहसुन मिर्ची जो सूप के लिए बहुत ही सेहतमंद होता है, और ये है कॉर्नफ्लोर, और ये नमक स्वाद के अनुसार, नींबू एक चम्मच, और ये रेड चिली सॉस, सोया सॉस, और काली मिर्च पाउडर। तो चलिए बनाते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो कढ़ाई चढ़ा लेते हैं गैस पे, कढ़ाई गरम होगा, उसके बाद इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल लेंगे। और इसमें डाल लेंगे हम लहसुन, अदरक और मिर्ची बारीक कटी हुई, इसको हल्का सा भून लेंगे। मंचो सूप में लहसुन, अदरक और मिर्ची का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, तो लहसुन पूरा भरपूर डालने का इसमें, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहीं पर बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, प्याज को भी अच्छी तरह भून लेंगे हल्का सा ब्राउन होने तक, और तेज़ फ्लेम पे ही भूनेंगे। अब यहीं पर हम नमक डाल लेते हैं ताकि प्याज अच्छे से सौते हो जाए। यहीं पर हम गाजर डाल लेते हैं, गाजर को पहले डाला है ताकि इसको अच्छे से भून सकें। गाजर थोड़ा सा भून गया है, अब इसमें बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे, और पत्ता गोभी भी डाल देंगे साथ में, दोनों को एक साथ में डाल के इसको अच्छे से पकने तक भून लेंगे। ये सूप लगभग 4 लोगों के लिए बनेगा, तो जो थिकनेस है वो अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। जिनको पतला पीना है तो ज़्यादा पानी डालेंगे, और अगर थोड़ा सा गाढ़ा रखना है तो कम पानी डालेंगे। तो हम यहाँ पर सब्जियाँ सारा भून लेते हैं अच्छी तरीके से। अब यहीं पर सॉसेस डाल देंगे, रेड चिली सॉस, सोया सॉस 1-1 चम्मच लगभग, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहीं पर एक काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये नींबू का रस 1 चम्मच लगभग। यहाँ पर हमने विनेगर नहीं यूज किया है, क्योंकि विनेगर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसके बदले नींबू का रस डाल दिया है। आपको अगर विनेगर चलता है तो विनेगर भी यहाँ पर डाल सकते हैं नींबू के बदले, और इसमें 2 कटोरी पानी डाल दिया है, और इसको पकने देंगे, सारी सब्जियाँ अच्छी तरह पक जाए, और नमक स्वाद के अनुसार और कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं। ये हमने
कढ़ाई को ढक दिया था 3-4 मिनट के लिए। ये पूरा हमारा ये सूप तैयार है, लगभग पूरी सब्जियां अच्छी तरह से गल गई हैं। अब यहीं पर हम कॉर्नफ्लोर को 2 चम्मच पानी में घोल के इसमें डाल देंगे, जिससे कि थोड़ा थिक हो जाए सूप और टेस्टी भी। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप सूप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और होटल जाना भूल जाएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब किए हुए ना जाएं। और सूप ऐसे घर में बनाएं और सबको पिलाएं। देखिए कितना सुंदर कलर टेक्सचर है, और इस तरह से बनाएं और पिएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।